तो गाइस फाइनली ट्रैक्टर निकल चुका है भाई, बहुत मुश्किल से निकला। हाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप देख रहे होंगे सुबह सुबह मैं खेत में आ गया, जो कि अभी थोड़ा काम था इसलिए खेत में आ गया। तो फिलहाल सूर्योदय हो रहा है, तो अभी फिलहाल हमारा एक पोपट हो चुका। पोपट तो क्या है, सबके साथ होता है वो। चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। जो कि हमारा रिचार्ज खत्म हो चुका है, जो कि अब रिचार्ज डलवाना पड़ेगा तभी आपके लिए वीडियो आएगा। तो भाई सबसे पहले मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके वीडियो आएगी भाई। रिचार्ज आज ही खत्म होना है, वीडियो अपलोड हुआ रिचार्ज खत्म हो गया। अभी फिलहाल यहाँ पर तो मोटर लगा दिए। हाँ आज फिलहाल नल आए तो पानी भर दिया है, तो फिलहाल पूनम बनाए खाना। अभी मैं चलता हूँ, आज खेत में सेवा है तो खेत में जाके सेवा कराऊंगा, आज शनिवार भी है इसीलिए। तो आज हम जा रहे हैं भुआसा के यहाँ पर, जगदीप हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि अभी 10 बजे निकलेंगे, अभी तो घड़ी 9:15। तो एक बार दीपक को लेता हूँ और खेत में चलता हूँ। दीपक चल, ये फिल्म बस देखिए, एक मिनट चल, खेत में सेवा करना, बस जानू नहीं जानो ओडन ओडन जानो। हाँ तो ये चल ना, एक बार चल खेत में सेवा करना, 5 मिनट लगा के चल। एक बार दीपक तो मान चुका है, तो जल्दी से चलते हैं और खेत में फटाफट सेवा करा के आते हैं। तो फिर हमें चलना भी है वहां पर, तो इसीलिए तो अभी चलते हैं खेत में। और आज तो बारिश नहीं चलना क्या? हाँ ओडन तो बाद में। तो भाई अभी बारिश का मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, जो कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, हम जाए ना हो जाए। फिलहाल सेवा हो चुकी है, तो दीपक ने मेरे चटक ले लिए, तो अभी चलते हैं घर पे। और एक बार तो मैं गाय को चारा डाल देता हूँ और फिर पानी पिला देता हूँ, फिर हम नहा के चल जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर अच्छी अच्छी जगह मिलेगी भाई, बहुत बड़े बड़े जगह है वहाँ पर दिखाने के लिए। हाँ, मैं दिखाऊंगा, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। वो भी है मिराज ऑफिस, मिराज वाले का घर भी है, बहुत बड़ा है और इतनी सारी कार है। अच्छा हमको सिखा रिया है, वैन बहुत सारी है उसमें, आपको दिखाएंगे। तो गाइस अब फिलहाल मैं तो पहुंच चुका हूँ घर पे, और अभी पूनम यहाँ पर खाना बना रही है, क्योंकि रोटी बना रही है इनके लिए। हाँ मैं देखूंगा, खाऊंगा ठीक है, बाकी वही पर खाऊंगा उड़ा। तो गाइस अब फिलहाल घर आते पूरा मूड खराब हो गया भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मूड खराब क्यों हुआ दीपक बताएगा। तो गाइस आज मूड खराब इसलिए हुआ कि आज जाने की थी, पापा ने मना कर दिया, तभी आज नहीं जाएंगे तो कल छोड़ दूंगा। तो इस बात पे दीपक भी बिल्कुल बोल नहीं रहा अभी तक। दीपक कह रहा कल तो मैं नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं वा कल जाएंगे, आज तो पूरा कैंसिल कर दिया, पूरा मूड खराब हो गया। और फिलहाल टिफिन तैयार कर दिया है, तो मम्मी को टिफिन देने जाना है, तो मैं और पूनम जा रहे हैं फिलहाल। तो चलते एक बार बाइक निकालता है। तो वैसे अभी रिलीफ में पहुंच चुके हैं, मम्मी यहाँ पर काम कर रही है। हाँ तो ठीक है, तो वही सामने की तरफ वहाँ पर रिलीफ चल रही है, जो कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम आए रिलीफ में, अभी बहुत खतरनाक गर्मी लग रही है। तो वही यहाँ पर बन रहा है पूरा ग्राउंड। हाँ मम्मी यहाँ पर पूरा ग्राउंड बन रहा है, ग्राउंड भाई यहाँ पर पूरा वहां तक लंबा, पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पर पूरा ग्राउंड बन रहा है, एक जो कि एक बहुत बड़ा बगीचा बनेगा। तो हम भी आएंगे यहाँ पर, रेडी हो जाएगा। तो भाई उस तरफ चिकन दिखाई दे रहा होगी, उस मंग वो एक टीला है छोटा सा, उसके पीछे भाई एक इतनी शानदार जगह है, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसी खतरनाक जगह है, लेकिन हम फिर कभी बताएंगे या फिर आज नहीं, आज रहने दे। आज तो ये लकड़ियां बहुत लेनी है, मम्मी ने बारह बांध दिया है, तो ये लकड़ियां लेके जाएंगे घर पे, तो इसीलिए फिर कभी आएंगे तब जाके वहां पर चलेंगे। वहां पर इतना जबरदस्त है, वहां पर लगता है बर्फ पड़ती है, पर इतना पूरा व्हाइट व्हाइट एरिया है, तो वहां पर बहुत जल्द चलेंगे। आज कटे क्या दादा, गजब बेइज्जती है ज्यादा। तो अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ घर पे, तो घर पे आते मम्मी ने 3 लकड़ियां भेजी थी साथ में, तो तीनों पूनम लेके चल रही,
क्योंकि इसके कांटे हैं इसलिए। तो भाई फिलहाल अभी चाय के साथ रोटी खाता हूँ और अभी रोटी खा। भाई आज तो मैं सो के उठा, सिर्फ 2 घंटे सोया फिर उठ गया, तो अब फिलहाल मुझे नहाना भी, आज तो नहाया भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो अब फिलहाल एक बार तो गैस को पानी पिलाते हैं, मम्मी पानी पिला रही है, मैं भी साथ में जाता हूँ, तो इस बार एक बार पानी पिला रहे फिर मैं नहाता हूँ। तो भाई अभी मैं तो भैया ठंडे ठंडे पानी से नहा के आ गया फिलहाल, तो अब भूख भी लगी है तो अब खाना खाते हैं एक बार। तो भाई फाइनल टैंकर लाए हैं जो कि ये रहा पूरा पाइप, और अब पानी डालेंगे अंदर। तो भाई फाइनली ट्रैक्टर निकल चुका है भाई, बहुत मुश्किल से निकला। हाँ तो भाई अब फिलहाल औद में पानी भरा चुका है, तो टैंकर जा चुका है। तो भाई अभी टैंकर काफी खतरनाक तरीके फंस गया भाई, बहुत मुश्किल से निकला अभी तो। तो अभी बड़े अप्पा आ रहे हैं तो मुझे कर्जा कटी बड़े अप्पा को लेने जाना होगा, पर अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, तो चलते हैं थोड़ी देर बाद। टोनी अभी टोनी का भोजन चल रहा है। अच्छा आज दीपक दाल बना लो। हाँ मोटा अप्पा आ रहा। अभी पूरी शाम हो चुकी है, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है, तो अब मैं अपने YouTube एनालिटिक्स में देख रहा था कि अब मैंने एक बार नोटिस की कि जो जो भी नए नए मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं वो यार एक काम नहीं करते, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो, मेरे पूरे 20 से 25 दिन हाल हम सब इतने दिन हो चुके हैं, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा, पर मैं सब्सक्राइब की तरफ बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि मैं पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, सब्सक्राइब की तरफ देखता हूँ। तो मेरा वीडियो जल्दी वायरल होगा मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, डेली टू डेली मेरी लाइफ स्टाइल, तो भाई मैं देखता हूँ कभी ना कभी तो वायरल होगा ये वीडियो। तो भाई फिलहाल अभी पूनम ने रोटी बना ली है, तो अब मैं गांव में गया, थोड़ा दुकान पे गया था, थोड़ा नमक और शक्कर लानी थी इसीलिए, तो अभी लेके आया। तो फिलहाल पूनम ने रोटी बना ली है और अपने कढ़ी पड़ी है तो उसके साथ खा लेंगे अभी फिलहाल। तो फिलहाल मैं एक बार तो भूखने लग रही इसलिए वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर देता हूँ। तो भाई अब फिलहाल वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।